हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे स्टडी करने के लिए आते हैं किर्गिस्तान में। बहुत सारे लोग टूरिज्म के पर्पज से आना चाहते हैं किर्गिस्तान में विजिट करने, और बहुत सारे लोग बिजनेस करने आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि वीजा का क्या प्रोसेस है, वीजा की फी कितनी है। यहाँ पे उन सभी लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं और जो यहाँ बिजनेस करने आना चाहते हैं, सभी के लिए वीजा की प्राइजेस क्या है, एक्चुअल प्राइजेस, रियल प्राइजेस जो किर्गिस्तान में जो लगती हैं वो कितनी है। क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं, जो वीजा का फी है वो बहुत ज्यादा बताते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सबसे पहले गूगल पे जाओ। गूगल पे आप सर्च करो evisa.e/gov.kg, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सर्च कर दिया है। देखो, ये आपके सामने एक किर्गिस्तान की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे खुल के आ गई है हमारे सामने। अगर किर्गिस्तान के बारे में जानना चाहते हो आप यहाँ पे, तो अबाउट किर्गिस्तान ऊपर लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करके किर्गिस्तान के बारे में यहाँ जान सकते हो। राइट साइड में देखो, यहाँ पे वॉच वीडियो लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करो। और एक देखो नीचे वीडियो आ रहा है, इसमें किर्गिस्तान के बारे में, किर्गिस्तान का इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में। आप इसमें से बहुत अच्छे से किर्गिस्तान के बारे में बताया हुआ है, आप जान सकते हो। सो हम आते हैं वीजा प्रोसेस पे। ये देखो, सर्विस पे आप क्लिक करो, अप्लाई फॉर अ वीजा, ठीक है। आप इसमें नीचे आओ, यहाँ पे इंडिविजुअल वीजा लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट पासपोर्ट कंट्री। सबसे पहले मैं इंडिया को इसमें सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद है सेलेक्ट पासपोर्ट टाइप। तो इसमें से मैं सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक सर्विस, ऑफिशियल आईडी कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मेरी जो पासपोर्ट है वो ऑर्डिनरी है, मैंने उसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वीजा टाइप, तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि जो बच्चे आते हैं स्टडी वीजा पे, 3 मंथ का वीजा होता है जो सबसे पहला वीजा लगता है। उसके बाद जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो 1-1 साल का वीजा लगता है, वो डिफरेंट है, वो कॉलेज के थ्रू ही लगता है वो वीजा। लेकिन जो सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ने आते हैं MBBS यहाँ पे, तो जो 3 महीने का स्टडी वीजा लगता है, ई वीजा के लिए आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है स्टडी का, तो आपने स्टडी पे क्लिक किया। और यहाँ पे देखो नीचे आ गई मल्टीपल एंट्री 90 डेज की, मल्टीपल एंट्री 30 डेज, सिंगल एंट्री 90 डेज और सिंगल एंट्री 30 डेज। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं वो सिंगल एंट्री 90 डेज के लिए आते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा सिंगल एंट्री 90 डेज। देखो यहाँ पे नीचे प्राइस आ गई है 5033 सोम, मतलब वो इंडियन रुपीज और सोम इक्वल ही है मान लो आप, तो 5033 जो स्टडी वीजा का हो गया। वैसे ही अगर कोई सेकेंड है कि कोई बिजनेस के लिए विजिट करना चाहता है या एज अ टूरिस्ट विजिट करना चाहता है किर्गिस्तान में, तो आपका वीजा प्राइस कितना होगा। टूरिस्ट आना चाहता है तो उसके लिए देखो, टूरिस्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे राइट साइड में लिख के आ रहा है कि ये जो TS टूरिस्ट वीजा उसी के लिए अप्लाई है जो यहाँ पे टूरिज्म के पर्पज से आना चाहता है। तो यहाँ पे देखो इसमें है डबल एंट्री 30 डेज, सिंगल एंट्री 90 डेज एंड सिंगल एंट्री 30 डेज। तो मान लो मैं 90 डेज मतलब 3 महीने के अगर सिंगल एंट्री वीजा लेता हूँ किर्गिस्तान की, तो कितना प्राइस पड़ता है। चलो हम तो यहाँ पे वो पड़ गया 3595। अगर आप टूरिस्ट वीजा 1 महीने के लिए लेते हो सिंगल एंट्री, मतलब एक बार आके किर्गिस्तान में और एक बार बस जाना है, फिर दोबारा एंट्री नहीं कर सकते आप उतने टाइम पीरियड में उस वीजा पे, तो सिंगल एंट्री 30 डेज वीजा के लिए अगर मैं मान लो इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये आ गया 2876 रुपये, 2876 रुपीज या सोम बोल लो, इक्वल ही होता है। तो और सबसे जो लास्ट है वो है अबाउट जो बिजनेस करने आने चाहते हैं लोग। मैं आ जाता हूँ बिजनेस वीजा पे, ठीक है, ऑप्शन में। तो यहाँ पे बिजनेस वीजा बी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, अगर मान लो आप देखो यहाँ पे राइट साइड में बी बिजनेस वीजा करके आ रहा है, इज इशू टू एन एप्लीकेंट एंटरिंग क्रिगिस रिपब्लिक विद बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो वो बिजनेस करने के लिए आप आ सकते हो। अगर मान लो आप 1 महीने के लिए सिंगल एंट्री वीजा पे आते हो तो कितनी प्राइस है, ठीक है, इसको हम क्लिक करके देखते हैं। तो ये है 4314 सोम या इंडियन रुपीज, सेम ही है आप बोल सकते हो, ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे कि मैंने सबके प्राइस बता दिए हैं और आप जाके खुद भी इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।